अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वरदा शोएब एंड वेलकम वंस अगेन टू रिवायतों की लज्जत। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे और हमारे शो को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपका इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें कि आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं और आप लोगों को इतनी पसंद भी आ रही है। थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड आज के शो में भी हम लेके आए हैं बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढांड के आप लोगों तक पहुँचाने के लिए बंगाल की रिवायती लज्जत। जी हाँ, बंगाल की बहुत सारी डिशेज़ जो हैं वो मशहूर हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनाया जाता है, और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अगर आपने मछली खानी है तो आप बांग्लादेश की मछली खाएं। जी उसके तो जायका ही अलग है और बनाने की बात ही अलग है। तो आज बहुत ही मेहनत की है मेरी टीम ने ढूंढने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशली एक प्योर बांग्लादेशी डिश। तो आइए इनवाइट करते हैं हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट को, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। वैसे तो वो हज़ारा की हैं, लेकिन उनकी मदर जो हैं वो बंगाल से हैं, और उनके फ़ीचर्स भी आप देखेंगे प्योर, वो आपको बांग्लादेशी क्यूट से फ़ीचर्स लगेंगे आपको उनके। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर इन्वाइट करते हैं मरियम को। अस्सलामुअलैकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जी आइए प्लीज़। देखिए, अच्छा मैं अभी बता रही थी अपने व्यूवर्स को कि आपका ताल्लुक वैसे हज़ारा से है, लेकिन आपकी मदर जो है वो रंगून से हैं, यानी बांग्लादेश से हैं। तो आपके फ़ीचर्स भी माशाल्लाह, मुझे इतनी क्यूट से इनके फ़ीचर्स लग रहे थे और लग रहा है इनको देख के कि शी इज़ फ्रॉम बंगाल, राइट? आप भी अम्मी पे गई होंगी, है ना? अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं, बांग्लादेश की फ़िश जो है वो बहुत फेमस है, और ये कहा जाता है कि अगर आपने बिल्कुल अलग तरीके की मछली खानी है तो आप बांग्लादेशी मछली खाएं। ऐसा है? ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो हम लोग मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, और लोग भी सोचते हैं कि क्या चीज़ ऐसी डली है कि उसमें इतना टेस्ट आ रहा है, इतनी अच्छी बनी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मछली की पहचान। अब हम लोगों को तो जैसे हमारी अम्मी रंगून से थी, वो जाती थी शॉप पे मछली परचेज करी तो देख के कह देती थी कि नहीं, ये ताज़ी नहीं है। हाँ, फिश की पहचान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप फ्रेश फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जायका बिल्कुल अलग आता है। और ख़ास तौर पे ये बात तो मैं गारंटी से कहूँगी कि अगर शिकार की मछली है आपकी जो कि बिल्कुल ताज़ी है, आप वो खाएं, मैं गारंटी कहती हूँ आप बाकी मछलियाँ खाना भूल जाएंगे। ये हकीकत है, ये मैं अपने अक्सर शो में बताती हूँ। एक तो ये, और दूसरी बात मुझे ये बताएं, एक तो यानी कि हम मछली बना रहे हैं, सेट पे देख के मुझे समझ में आ गया कि आज कौन सी मछली बन रही है। ये हमारे पास है कुन मछली। कुन मछली, और हम रेसिपी क्या है हमारी आज की? रेसिपी हमारी ये है, इसमें हम ये हरी मिर्चें इसका पेस्ट डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक, टमाटर, और ये हरे मसाले की मछली बन रही है। और एक और चीज़ अगर आप देख सकते हैं सेट पे, यार ये क्या उबल रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या ऐसी अनोखी चीज़ हो रही है आज? ये राइस केक बनेगा स्टीम में। स्टीम पे राइस केक बनेगा? राइस केक बनेगा। ये दोनों प्योर बांग्लादेशी डिशेज हैं? जी जी बिल्कुल प्योर बांग्लादेशी डिशेज हैं, हर जगह अवेलेबल होती भी नहीं है। अरे वाह, ज़बरदस्त। देखें जी आप, हम कहाँ कहाँ से ढूंढ के आपके लिए कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ आ जाए, मैं अपने काउंटर पर चली जाती हूँ और शुरू करते हैं हम बनाना। सबसे पहले मछली का सालन होगा। जी जी, ग्रेवी के साथ। ग्रेवी के साथ, सही। तो मैं आपको हेल्प करती रहती हूँ यहाँ पे। जी आपको पहले मछली चाहिए? नहीं, प्याज चाहिए होगी। आधा कप ऑयल हमने डाला है इसमें। अच्छा, फ्राई होके नहीं डलेगी मछली, कच्ची डलेगी, इसी वजह से थोड़ा चेंज आ जाता है कि लोग यही सोचते हैं कि अगर इसमें कच्ची मछली हम ऐड कर रहे हैं तो किस तरह बनेगी, टूटेगी नहीं। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, हमने जो है प्याज डाल दी पैन में, हाफ अ कप ऑयल लिया, और इसमें हमने कितनी प्याज डाली थी? तकरीबन 2 डेली प्याज। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप थिनली स्लाइस करके आप उसको डाल दीजिए, और अब हम इसको ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। जी जी, ब्राउन। ओके, प्याज ब्राउन हो गई है। जी हो गई है, सही। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, ये सिर्फ हरी मिर्चें हैं? बॉइल किए मैंने मिर्चें, और उसके बाद ग्राइंड करनी है। नहीं तो कितनी हरी मिर्चें ली आपने? ये लिए 100 ग्राम। 100 ग्राम हरी मिर्चें, 100 ग्राम के करीब हरी मिर्चें हम लेंगे, और उसे बॉइल करेंगे पानी में नॉर्मली, और उसके बाद इसे डाल देंगे ग्राइंडर में, ग्राइंड करके और इस तरह। अच्छा, हरी मिर्चें आपने मोटी वाली ली है कि बारीक वाली? नहीं, छोटी हरी मिर्चें जो होती हैं। अच्छा, तेज हरी मिर्चें होती, छोटी वाली हरी मिर्चें 100 ग्राम के करीब हमने ली, और इसे हम पानी में बॉईल करके फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, और ये मछली कितनी है आपकी? मछली हमारी 3 पाव के करीब है। अच्छा, 3 पाव के करीब मछली है। 3 पाव के करीब 3 पाव मछली में आपने 100 ग्राम हरी मिर्चें लेनी है, उसको बॉईल करना है पानी में, एंड देन उसका पेस्ट बना के आपने प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें डाल देना है, राइट? जी। कुछ चाहिए आपको? जी, 1 टेबल स्पून हल्दी। अच्छा, हल्दी चाहिए 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब जाएगी 1 टेबल स्पून हल्दी। ओके, एंड देन अच्छा, मसाले ज़्यादा हैं नहीं इसमें बिल्कुल भी ना?
अच्छा सिर्फ नमक हल्दी हरी मिर्चों का पेस्ट डाला इन्होंने, दैट्स इट। टमाटर भी डाला। टमाटर कितने हैं? टमाटर एक पाव के करीब। अच्छा एक पाव टमाटर है। अच्छा पहले देखिए आप ये मसाला भून रही हैं सिर्फ फिश का ना, जिसमें सिर्फ उन्होंने प्याज डाली। जब प्याज ब्राउन हो गई हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, फिर उसमें उन्होंने हल्दी और नमक डाला हसबे जायका, हल्दी 1 टेबल स्पून डाली है और फिर एक पाव टमाटर डाले उन्होंने। और अच्छा ये आप केजी के करीब बैंगन है। अच्छा ये कच्चे बैंगन जाएंगे जी, इसके कच्चे बैंगन जाएंगे और ये ग्रीन बैंगन जो है ना ये ज्यादा बैंगन में यूज होते हैं ये तौर पे। प्लीज दिखाइएगा जरूर, ये मैं दिखाना चाहूंगी कि देखें ये हरे बैंगन हैं जो कि कच्चे बैंगन कहलाते हैं। और ये कह रही है कि यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे आपको सब्जी वाले से? सब्जी वाले से मिल जाते हैं। अच्छा ये इजीली आपको मिल जाएंगे, ये डलेगा मछली के अंदर। अच्छा ये क्या इसका फ्लेवर आएगा? फ्लेवर इसका बहुत, ये साबुत ही डालेंगे या काटे डालेंगे? कटिंग करके डालूंगी मैं। अच्छा अच्छा, आम बैंगनों से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा सही है। चलें जी, जब तक मरियम जो है वो बैंगन की कटिंग कर रही हैं और मसाला जो है वो भुन रहा है, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि रिवायतों की लज्जत पे बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बांग्लादेश के रिवायती खाने। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और रिवायतों की लज्जत में आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं बांग्लादेश की रिवायती लज्जत, जिसमें बन रही है हरे मसाले की फिश और राइस केक, राइट? अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने मसाला भूनने के लिए रख दिया था, मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा और बैंगन जो थे कच्चे बैंगन हरे वाले, वो इन्होंने इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं किए, इस तरह से बड़े बड़े जो है वो 4 पीसेस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब ये मसाले में डाल देंगी, राइट जी? ये लीजिए। अच्छा इसका रीज़न क्या है, यानी कि ये बड़े क्यों रखे हैं, ताकि थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गल ना जाए इस वजह से? जैसे कि फिश के पीस बड़े बड़े होते हैं तो इसी अच्छा। तरह बैंगन भी फिर वो अच्छी नहीं रखती ना डिश के, सब्जी छोटी छोटी सी आ रही है, फिश के पीस इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से और सर्व भी इसी तरह मतलब किए जाते हैं, इस तरह सर्व ही से आप परचेज करेंगे, फिश भी इस तरह बड़ी बड़ी होगी और सब्जी भी। अच्छा फिश के पीसेस भी जो है वो कोशिश करें कि बड़े बड़े आप लें जब आप ये रेसिपी बना रहे हैं, और कच्चे बैंगन भी जो है वो उसके बड़े बड़े पीसेस डालें, राइट? अच्छा ये मुझे ब्रेक में बता रही थी मरियम अभी कि मैं इसमें कोई 19-20 चेंजेस नहीं कर रही हूँ, जो एक्चुअल रेसिपी जैसे कि हमारी ननियाल में बनती है शुरू से और मेरी मदर बनाती हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको सिखा रही हूँ, राइट जी? बिल्कुल, हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये चीज़ पानी हम आधा कप ऐड कर देंगे मसाले में कि बैंगन गल जाए। अच्छा आधा कप पानी ऐड करना है बैंगन को गलाने के लिए, राइट? और इसको हम लो फ्लेम पे रख देंगे। अच्छा मछली हमने अभी ऐड नहीं करनी? नहीं मछली अभी, मछली जस्ट ज़्यादा देर पकने से भी टूट भी जाती है, टूट जाती है मछली, तो वैसे भी कहते हैं ना भाप में स्टीम में गल जाती है फौरन। सही, अब हम जो मीठा बना रहे हैं तरफ हमेंगे राइस केक जो है। अच्छा बेसिकली चावल है, इसे हमने पीस लिया है। अच्छा ये चावल उबाल के पीसे हैं? उबाल के नहीं, ये चावल आपने नाइट पूरी भिगो के रखने हैं, ओवरनाइट। आपके जी चावल आप ले लें उसको इस तरह भिगो लें और उसके बाद उसे चॉपर में या ग्राइंडर में इस तरह। अच्छा कौन सा चावल लिया है आपने? जरूरी है कि कोई आपने बासमती लेना? बासमती चावल लेना है। अच्छा और कोई चावल नहीं लेना? नहीं, मोटे चावल में फिर वो खुशबू भी नहीं होगी और फिर खाने में भी अजीब से लगते हैं, ये बासमती चावल हमने, लेकिन इसे नाइट में भिगोना ही है वरना ये इस तरह देखें फॉर्म में नहीं आएंगे। अच्छा बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। सही, अच्छा ये देखें अगर मैं थोड़ा दिखाऊँ आपको, बिल्कुल ये वाकई आप हाथ लगा के अगर देखें ना बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत नरम है ये चावल, क्योंकि ओवरनाइट जो है इसको भिगोया हुआ था और भिगोने के बाद इसको आपने पीस लिया है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम इसमें? अब हम इसमें ये गुड़ के साथ मीठा बनेगा इसका, ये चावल हमने लिए आप क्लियर में हम चावल की रखेंगे इसमें। सही, नहीं हाथ से ही वो होंगे वरना ये बैठेंगे नहीं। अच्छा अच्छा ये हाथ से ही करने? अच्छा हाथ से ही करने पड़ेंगे वरना ये चावल बैठेंगे नहीं। अच्छा ये हाथ से आपको प्रेस करने हैं इसको बेसिकली? अच्छा अभी भी। अच्छा और ये गुड़ आपने क्वांटिटी, अच्छा किसी छोटे छोटे प्यालों में बनाना है? जी छोटे छोटे प्यालों में। अच्छा लेयर लगानी है, लेयर लगानी है, पहले चावल लेने हैं फिर बीच में गुड़ और उसके बाद फिर चावल। सही, चले मैं ये हटा दें ताकि आप क्लियरली विजिबल हो जाए, प्लीज को दिखाएं जरा कैमरे को। अच्छा जी ये दोबारा से एक बना के आप दिखाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इक्वल हम इसे करेंगे। अच्छा चावल नाश्ते में, शाम के नाश्ते में, दावतों में बहुत बहुत ज़्यादा ये मीठा बंगाल में मशहूर। अच्छा वैसे बांग्लादेश में मैंने सुना है कि चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, यानी कि वो राइस ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, मीठा भी इसीलिए चावलों का। उसके बाद तो ये हमारे यहाँ क्यों कहते हैं कि हम चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, आप लोग तो मोटे बिल्कुल भी नहीं होते बांग्लादेश में, नहीं यूजली जो लोग ज़्यादातर मैंने देखा है वो इतने मेजॉरिटी नहीं इतने वो होते, बहुत स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। मतलब ये कि आप
खा रहे हैं आपकी बॉडी को इस चीज़ की आदत हो जाती है तो वो नहीं फिर इतना आपको वो इतना नहीं इफेक्ट करती। अच्छा एक मैं एक और मैं बना के दिखाना चाहूँगी ना जैसे कैसे इस एक लेयर लगानी है राइस की जी। ये देखें इसे प्रॉपर स्पून से बिठा लीजिएगा और दरदरा जी चलें आप तक रखें मैं ये एक मैं बनाना मैं चाह रही हूँ कि मैं बनाऊँ थोड़ा सा आदत से मजबूर क्या करूँ किचन में हूँ और कुछ करूँ ना तो अजीब सा लगता है थोड़ा सा। नेट का कपड़ा मैंने रखा है। अच्छा उल्टा करके रखा है इसको। अच्छा ये देखिए इसको अपसाइड डाउन रखना है इस तरह। ओ वाओ ठीक है जबरदस्त। अच्छा ये देखें प्लीज ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जी। और मैं चाहूंगी कि ये एक और जो आम सा प्याला मिलता है तो बड़ा प्याला हम इस पर रख देंगे ताकि अच्छा तो कवर करने की ताकि ये स्टीम में हो जाए तो ये नहीं कि वन बाय वन ये होंगे जी। अच्छा ये देखें मैंने एक और मैं बना रही हूँ। मैंने इस तरह से राइस जो है वो पूरे जो है वो स्पून की हेल्प से प्रेस कर लिए हैं और इसके बाद मैं गुड़ की एक लेयर लगा रही हूँ उसमें जैसे कि मरियम जी ने बताया। अच्छा हमें पिसा हुआ गुड़ लेना है और उसके बाद इसकी हमने एक लेयर लगा देनी है ऐसे ही जी। शायद गुड़ थोड़ा सा चिपक भी जाता है। अच्छा हम देसी गुड़ भी ले सकते हैं इसके लिए बैंगन राइट पक रहे हैं। हम देसी गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं देसी गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सही। ये देखें जी। अच्छा जी दूसरी लेयर जो है ये हमने लगा ली गुड़ की और फिर इसके ऊपर दोबारा से हम चावल की लेयर लगा देंगे वो ऊपर तक पूरा भर लेंगे ना उसको जी। ये हमने चावल की लेयर लगा ली और इसको मैं स्पून की हेल्प से प्रेस कर दूंगी और ये 5 से 7 मिनट में कैसे पता चलेगा कि ये कुछ चेक करेंगे या बस आपने टाइम देके जो है इसको हटा लेना है। शक्ल चेंज हो जाएगी आप कैमरे में भी नजर आएगी कि टोटल 5 से 7 मिनट में इसकी शक्ल चेंज हो गई है जबरदस्त। अच्छा ये देखें जी इसको भी ये हमारा दूसरा केक भी जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरह से मैं प्रेस कर रही थी इसको हाथ से स्पून की हेल्प से और ये डन हो गया है। और ये अब जो प्रोसेस किया है ये देखें थोड़ा टाइम है ज़बरदस्त। आई रियली लाइक दिस थिंग कि जिस तरह से प्योर आपने देसी स्टाइल में जिसे हम कहते हैं ना कि आपने इसको इसको वो स्टीम कर रही हैं आप जी। और अच्छा इसके ऊपर आप कोई सिरेमिक का आप ले सकते हैं राइट हाँ। आप सिरेमिक का वैसे इसके साथ जो दावतों में सर्व होती है वो चाय भी गुड़ की चाय होगी। अच्छा अच्छा ये आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी सर्व कर सकते हाँ, हैं गुड़ की चाय वाह ज़बरदस्त। स्नैक्स पे अक्सर चाय टाइम पे हम अक्सर ढूंढ रहे होते हैं हमें कोई स्नैक्स डिफरेंट किस्म के मिल जाएं तो अगर जो लोग मीठे के शौकीन हैं वो गुड़ की चाय बनाएं टेस्ट करेंगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि चावल से बना हुआ। अच्छा हाँ ये बिल्कुल इसलिए यूनिक चीज़ है अभी देखेंगे। अच्छा जी तो आप इसको स्नैक्स साथ भी सर्व कर सकते हैं आप इसको बच्चों को दे सकते हैं स्नैक्स टाइम पे आप उनको लंच में बना के दे सकते हैं बहुत जल्दी ही बन सकते हैं ये तो और हेल्दी भी है ऑफकोर्स। हम लोग जितनी भी सब मदर्स हैं वो कोशिश करती हैं कि उनके बच्चे कुछ हेल्दी खा लें थोड़ा जंक फूड से थोड़ा पीछे खींच लें उनको तो ये उनके लिए बहुत आसान है और बनने ही बहुत आसान है। और अच्छा ये देखिए बार बार चेक भी कर रही हैं इसको ना कि ये बन गया कि नहीं इन्होंने अपसाइड डाउन करके एक अच्छा ये आपने मलमल का कपड़ा रखना है या कि एक नेट रखनी है। नेट रख लें नेट ज़्यादा बेहतर है कि स्टीम अच्छी पहुँच जाएगी। अच्छा कोई भी एक बारीक सी नेट है ये दिखाना चाहूँगी मैं इस तरह की नेट थी जो हमने जो जो एक टिन का एक जो एक इनका बॉक्स था जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसके ऊपर मैंने रखी एंड देन फिर उसके ऊपर अपसाइड डाउन करके इन्होंने जो है जो राइस केक की लेयर बनाई थी वो रख दी और उसको कवर कर दिया ताकि अच्छे से वो स्टीम हो जाए। और दूसरी तरफ जो है हमारी मछली बन रही है बैंगन गलने का वेट कर रहे हैं हम। जब बैंगन गल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें मछली ऐड कर देंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें बन रही हैं हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि राइस केक की शक्ल कैसी निकल के आ रही है और वो कैसे बन रहा है और सेकंड आपके सामने बनाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं जाइएगा नहीं देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हम बना रहे हैं हरे मसाले की फिश और राइस केक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक राइस केक जो है वो रखा था और आपको दिखाती चलूं कि ये देखिए एक राइस केक जो है वो बन चुका है आप देख सकते हैं ये देखिए। और अभी दूसरा हमारा ये ऑलरेडी हमने ब्रेक में रख दिया था दूसरा और अब जो है अब हम तैयार वो तैयार हो चुका है अब हम उसको भी दिखाएंगे आपको कैसे उसको निकालना है जी। मैं प्लेट लेके आ जाऊँ आपके पास यहाँ पे। अच्छा ये देखिए अब इसकी पहचान देखें कि इसका थोड़ा सा हार्ड हो गया है ये और इसके बाद फिर अब इसको नेट समेत ही उठा लेंगे प्लेट पे ये ऐसे लेमनेट का ज़बरदस्त आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है। और भी जो बाकी हमने बनाए हैं वो भी हम रख देंगे इस पर
और मीन वाइल फिर हम अभी फिश पे चलते हैं, राइट जी। अच्छा जी। इसको आप देखें, इसको जो जिस कप जिस मोल्ड में आप, इसमें मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई जो भी मोल्ड आपके पास हो वो मोल्ड आपने हटा लेना है, और एक उससे बड़ा कोई भी आपके पास बोल हो या ऐसा कोई मोल्ड हो ताकि वो उसको कवर कर ले राइस केक को पूरा, वो आपने रख देना है ताकि वो स्टीम में अब हम बन सके। अच्छा जी, मसाले गल गए। अच्छा बैंगन जब गल गए थे, बैंगन गलने के बाद जो है अब इसमें फिश ऐड कर देनी है। अच्छा मुझे आप बताइए कि फिश में अक्सर जो है वो हीक आ जाती है, तो फिश की हीक खत्म करने के लिए आपने इसमें पहले कुछ किया है या डायरेक्ट आपने इसमें इसको नमक लगा के हम 10-15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद इसे वॉश करेंगे। अच्छा वॉश करने के बाद दोबारा इस पर नमक लगाएंगे और फिर इसे वॉश कर लेंगे। अच्छा दो दफ़ा आपने इसको वॉश किया, इसमें मैंने देखा है आपने लहसुन अदरक का पेस्ट विनेगर कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल स्मेल नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये मछली जो है समंदर में रहती है, वैसे वो खारा पानी होता है, और सॉल्ट ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को आप वॉश करके देखें, सोने की कोई चीज़ होती है उसमें नींबू और नमक पानी में आप उसको डिप करके रख दें, बिल्कुल ब्लैक पड़ी हुई चीज़ भी होगी ना वो भी वाइट हो जाएगी। क्या टिप है आपने ज़बरदस्त बताई कि अगर आप लोगों को अपनी ज्वेलरी भी चमकानी है गोल्ड की तो आप जो है वो इस टिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अच्छा जी अब हमने क्या किया है, हमने फिश डाल दी। अच्छा बैंगन जब गल गए थे तो हमने फिश डाल दी, फिश डालने के बाद इसमें आपने 2 कप पानी डाला है जी, 2 कप पानी। 2 कप पानी डालने के बाद आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगी, बस इसमें बॉयल आएगा, 5 मिनट हम पकाएंगे तैयार, दैट्स इट। अच्छा तो थोड़ा सा ग्रेवी शोरबे वाला होगा राइट, क्योंकि राइस के साथ। अच्छा बॉयल राइस के साथ चावल, हाँ मच्छी चावल मसी चावल। अच्छा जी इसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं जी, इस तरह से निकल जाएगा। अच्छा जी लाइक दिस, ये देखें, अरे वाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है वो राइस केक रेडी हो चुका है, ये देखिए। बच्चे बहुत पसंद करते हैं सर, बच्चे वाकई अच्छा बहुत, क्योंकि बना भी डिफरेंट है, बिल्कुल सिंपल सा है, स्वीट सा हल्का सा अच्छा सा अंदर होगा, तो आप मैं भी खा के देखूंगी फिर बताऊंगी कैसे मज़े का बना है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, हमें बताइएगा कि कैसा लगा, लेकिन घर पर ट्राई करने के लिए आपको रेसिपी कार्ड नोट करना पड़ेगा, तो जब तक हम करते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन तमाम चीज़ों की, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रिकैप। हरे मसाले की फिश, अज्जा तेल 1/2 कप, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 100 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चम्मच, टमाटर 250 ग्राम, कच्चे बैंगन 500 ग्राम, मछली 750 ग्राम। तरकीब, पैन में तेल और प्याज डालकर प्याज लाल कर लें, फिर इसमें हल्दी हरी मिर्च टमाटर डालकर भूनकर इसमें बैंगन शामिल करें और बैंगन को गलने दें, बैंगन के गलने पर मछली शामिल करके मछली को गला लें, मछली के गलने पर प्याले में निकाल कर पेश करें। राइस केक, अज्जा चावल 500 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम। तरकीब, चावलों को पानी में भिगा लें, पानी निकाल कर पीस लें, फिर पिसे हुए चावल और गुड़ की तय छोटे प्याले में लगाएं और स्टीम कर लें। जी जनाब रेसिपी कार्ड नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो आपका नुकसान है क्योंकि राइस केक की रेसिपी आपसे मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप हमारा शो रिपीट भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब पेज पे भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का बना है, बहुत डिफरेंट बना है, और सबसे बड़ी बात टाइम टेकन नहीं है इतना, वरना यूजली हम जब केक बेक करने जाते हैं तो वो तो हर कोई बनाता है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन राइस केक ये एक देसी केक है, आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप ये देखिए दूसरी बात, जो हरे मसाले की फ़िश थी वो भी रेडी हो चुकी है, फ़िश जो है वो गल चुकी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़िश जो है बहुत जल्दी भाप में ही गल जाती है, और प्लेन ज़ीरा राइस या बॉयल राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और आप खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बैंगन भी गल चुके हैं, और बहुत ही कलरफुल सी डिश लग रही है एक ये, राइट जी। आप कुछ कहना चाह रही थी मरियम? नहीं मैं बस यही कहना चाह रही थी कि ये जो मैंने डिश बनाई है घर से लेके बंगाल के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी इसी तरीके से सेम टू सेम जो प्रोसेस है वही मैंने की है, इसी तरह बनता है यही प्रोसेस। और ये मुझे बता भी रही थी अभी जब हम रेसिपी कार्ड पे थे कि ये रेसिपीज़ आपको यहाँ पे कहीं आसानी से नहीं मिलेंगी, ये आपको स्पेशल कोई ऑथेंटिक बंगाली रेस्टोरेंट ढूंढना होगा, वहीं पर ये आपको मिल जाए शायद ये रेसिपी ना। और आई थैंक यू सो मच मरियम, आपने इतनी अच्छी रेसिपी जो है वो हमारे साथ शेयर करी, आपकी एक ट्रेडिशनल एक रेसिपी जो थी वो आपने शेयर की, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। और इसी के साथ ही आपसे लूँगी इजाज़त क्योंकि आज का एपिसोड होता है ख़त्म, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई कम्युनिटी की डिफरेंट चीज़ के साथ, और हाँ अनोखी रेसिपी ज़रूर होनी चाहिए जो रिवायतों के साथ हम बनाएं और रिवायतों की लज्जत आपकी डाइनिंग टेबल तक पहुँचाएँ। इसी के साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।